बार कुंभ का मेला बना था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे, वहाँ पर ये गिरिपुरी सन्यासी नागा और विष्णु, विष्णु जी के सतोगुण के उपासक, ये सब वहाँ इकट्ठे हो गए। स्नान के ऊपर झगड़ा हो गया, नागा पहले नहाने लग गए उस पर हर की पैड़ियाँ पे, जो कति नंगे रहते हैं वो से तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णु विष्णु जी के उपासक सतोगुण विष्णु के। अब वैष्णु कहने लगे हम पहले नहाओगे, हम श्रेष्ठ हैं। वह कहने लगे नागा हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले नहाएंगे। लठ बाज गया, तलवारों से काट डाले, अहे तीर मारे, तलवार मारे, बुड़के भर लिए, एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, इन पशुओं की तरह लड़े। तो इसलिए कहा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12-15 तक के, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी है, त्रिगुणमयी माया है। यानी इन्हीं तक जो सीमित है, इन्हीं की साधना में उलझे हुए हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ऐसे जुल्म राक्षसों से भी बुरे कर्म काट डाला एक दूसरे को, ओए होए। तो 25,000 ये त्रिगुण उपासक कट कमर गए वहां पर। इसलिए गीता जी में कहा कि तीनों गुणों के उपासक त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मेरी साधना भी ना करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। और ब्रह्म साधकों के बारे में बताया कि ये ज्ञानी हैं, इन चारों में ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। इन्होंने नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना को कति रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 7-18 श्लोक में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, उद्धार माने अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम अति घटिया अश्रेष्ठ गति में ही सचित हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। ओम यह एक अक्षर मुझ ब्रह्म का है, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्म प्राप्ति, और ब्रह्म लोक में चला जाता है। 8-16 में गीता जी में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये वो पुनरावृत्ति में वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सदा सुखी नहीं रह सकते। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तू पहले भी जन्मा था, मैं भी जन्मा था, और हम आगे भी, और ये सब सैनिक भी आगे जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है, और जिस व्यक्ति की जन्म मृत्यु होती है वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर 4-34 श्लोक में, और फिर 15 में उसका प्रमाण बताया है 1 श्लोक में कि उसका क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में सारा जानकारी देता है, सब विभाग बता देता है, सवेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात 4 श्लोक में कहा 15 के मैं कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सौर ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण में हूँ, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो परम अक्षर ब्रह्म। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्व भाव से, यानी सब तरह से एक उसके प्रति आसक्त हो जा, प्रतिभर्ता पद पर पहुंच जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, सर्वभाव से उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इन अज्ञानियों ने गीता अनुवाद करते समय 7-18 श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम है, फूटे बाघ मारे, इसे अनुवादक मिले हमने। 4th कक्षा के बालक ने पूछ लिया उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ घटिया, अरे ये मैं ऋषि कब आगे
अनर्थ कर डाले इन्होंने। एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा, उन्होंने आन उपासना नहीं करी, केवल एक ब्रह्म की साधना करनी शुरू कर दी, ब्रह्म को सुप्रीम परमात्मा मान के ओम नाम का जाप और हठ योग किया हजारों वर्षों तक। अब इससे स्पष्ट है गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, मैं काल हूँ। 11वें अध्याय के 32 में श्लोक में भी कहा है, और मेरे रूप की प्राप्ति यानी मेरे दर्शन तेरे से पहले किसी ने नहीं किए, ये आज मैंने कृपा करके तुझे ये दर्शन दिए। और मेरे इस रूप की प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। इति सिद्धम, वेदों वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, लेकिन इससे अन्य लाभ हो जाते हैं, सिद्धियाँ आ जाती हैं, ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाती है, वहाँ देव पद मिल जाता है और फिर 84 लाख योनियाँ मिल जाती हैं। जैसे आपको महावीर जैन जी की कथा कल इतिहास सुनाया था, दिखाया था, ये सत्य है। वो ब्रह्म साधना ही करते थे, मारीचि जी अपने दादा जी ऋषभ देव जी से उपदेश लेकर, और उसकी ये दुर्गति हुई। तो ऐसे ही उनको भगवान तो मिले नहीं, चुनक ऋषि को सिद्धियां आ गई, अंडी पाक गए और अभिमान हो गया उनको, सभी उनके सामने थर थर कांपया करते थे। एक समय मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक, उसने अपनी पूरी पृथ्वी के ऊपर एक अभियान छेड़ दिया, एक घोड़ा छोड़ दिया और उसके पीछे सैनिक भेज दिए कि जो भी इस घोड़े को पकड़े, उसमें लिख दिया पंपलेट छाप, गले में बांध दिया घोड़े के, कि जिस भी किसी नरेश ने, किसी छोटे नवाब राजा ने चक्रवर्ती राजा मानधाता की गुलामी मंजूर ना हो, जिसको पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जावे। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है, सारी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, अर्थात सभी ने मानधाता राजा की गुलामी पराधीनता स्वीकार कर ली। चुनक ऋषि बैठे थे रास्ते पर, कुटिया थी, जब वो घोड़ा आया हजारों सैनिक साथ थे, अब काल ने रिमोट दबा दिया, पहले तो वो बम बना लिया, साधना करवा के बम बनवा लिया काल ने, और फिर रिमोट दबा दिया, इसके हाथ में रिमोट है इनका नाश कराने के लिए। अब ऋषि जी ने सोचा, भाई ये कैसे आ रहे हैं सैनिक, पूछूं इनसे, पूछा भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, उन्होंने सारी जानकारी दी। तो ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हारे राजा में इतनी शक्ति है कि किसी ने युद्ध नहीं उठा? सैनिकों ने कहा, किसकी माँ ने दूध पिलाया है, बक्कल तार दें, राजा के पास 72 करोड़ सेना है, उसका मुंह तोड़ दें हम। अब ऋषि ने सोचा, भाई इनको अभिमान हो गया, ये अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि कहने लगा, चुनक ऋषि के मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया और युद्ध ओट लिया, स्वीकार कर लिया तुम्हारे राजा का। अब वो सैनिक सिपाही कहने लगे, रे कंगले तेरे दाने खाना नहीं है, अरे तू युद्ध ओटेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, तू अपना माला फेर ले चुपचाप, अपना काम है वो कर, ऋषि जी क्यों पंगे में पांदे है तू। ऋषि जी कहने लगे, भाई मन ने यू घोड़ा पकड़ दिया, रोट लिया युद्ध, और कह दो तेरे राजा। राजा को जब पता चला, और फिर नमक मिर्च लगाई सैनिकों ने, मंत्रियों ने, कि राजन आज एक आदमी की हिम्मत पड़ी है, कल दूसरे की हो जाएगी। राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी, यानी 4 प्लाटून 4 विभाग कर दिए, 4 टुकड़ी बना दी 72 करोड़ की। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ व्यक्ति भेज दिए सैनिक। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने, और जो उस काल की घटिया साधना में लीन था, उसने अपने जीवन में जो डले ढोए थे सिद्धि बनाई थी, 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए सिद्धि तय, एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया उसने। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेजी, राजा ने, ऋषि ने दूसरी परमाणु बम छोड़ दिया, ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस एक
इस काल के पुजारी दे, होय होय अपनात्मा परमात्मा कहते हैं, बेहतर अक्सोणी क्षय करी चुनकरे सीश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे हैं सभी काल के बेख है। ओए ओए। कहते हैं जिनको ऋषिवर कहे थे, उस ऋषिवर चुनक ने, ऋषि माने वर माने श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ओए ओए। 72 अक्सोणी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक, और दे धारे या मौत फिरे ये सभी काल के भेख है। ये चलती फिरती मौत ऋषि को आओ, ये तो चलती फिरती मौत है, आग है, ये तो एटम बम थे, ये संत किसे थे। अपुनात्माओ कहते हैं ये है, ये ब्रह्म के साधक, ये काल के भेख हैं ये। अब इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना गति में ही लीन रहे। अब न्यो बताइया घटिया, अब क्या होगा इस ऋषि के साथ? अब चाहे तो कोई हथियार तो मार दे किसी ने, और चाहे कोई जंतर मंत्र क्रिया करके किसी की हत्या कर दे, दोनों को दोष बराबर है। अब इसका केस सिर खुजावे था, बैठा अपना माला फेरा, भक्ति कर रहा था, टाइम पास बढ़िया हो रहा था, ले लिया पंगा, काल ने जवा दिया इसका नाश भी तो कराना है, ये ऐसे हमारा नाश करवाता है, हमें भ्रमित किए हुए। अब इस ऋषि ने 72 करोड़ आदमी मार दिए बे मतलब बकवास करके, अब क्या होगा? जब तक इसके ओम नाम की भक्ति रहेगी, ये कमाई इसने जोड़ ली, ब्रह्म लोक में जाओगा और वहां भी देवता बन जाएगा, हजारों युगों तक रहेगा वहां पर। उसके बाद इसने हठ योग किया, वो तप बन गया, फिर भी पृथ्वी पर आकर राजा बनेगा, राजा बनकर नरे कर्म फोड़ेगा, नरे पाप कमाओगा, फिर बनेगा कुत्ता, क्योंकि यहाँ का विधान है परमात्मा कबीर जी की साधना को के अतिरिक्त अपना वर्क डन ही पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य अलग पाप अलग दोनों भोगने होते। ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, सारे शरीर में खाज लगेगी, और वो फिर बदला लेंगे एक एक प्राणी जो इसने मार रखे हैं। तो यहाँ ये बताया कि ये साधना मेरे वाली साधना भी अति अनुत्तम है, घटिया है, और ये कहने को सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने सारे जो है ना शब्दों के अर्थ शब्द कोश बदल डाले इन अनाड़ियों ने, तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम, इनको फेरा मोतिया बंदरे। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब का, वो कबीर परमेश्वर है, और वही आपका पाप नाश करेगा और आपको जन्म मृत्यु के रोग से छुटवाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं, बोलो सतगुरुदेव। एक भक्त है, उसने अभी कुछ महीने पहले उपदेश लिया, वो अपने मुख से अपनी सारी कहानी आपको सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो। इनका एक छोटा सा बच्चा 10-12 वर्ष का, और 1100 वाट के तार से टच हो गया, इसका जख्म है इतना, दो अंगल पूरी आ जा, और पैर का अंगूठा जल गया, आर पार निकल गई बिजली। इस बच्चे ने बताया कि ये दास, इस दास के रूप में कबीर परमेश्वर पहुंचे वहां पर, इस बच्चे का हाथ पकड़ कर इन्हों खींच लिया उस बिजली से, और ऊपरली मंजिल पर था उस पे छज्जे पे सुला दिया स्लैब के ऊपर। काफ़ी देर बातें करी, इसने कहा गुरुजी कहाँ जा रहे हो बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, कहीं नहीं जाता। कहते हमरा भक्त पिछोड़ी होई और हमरा नाम ना ले वे कोई। अब ये वास्तव में क्या है, अब ये कथा आपको सुना रहा है, उन्होंने लिख कर दे रखी है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्रीचांद राम निवासी गांव दनाणा जिला सोनीपत
और फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा में रहता हूँ। वास्तव में ये मेरे चाचा का लड़का है, सगे चाचा का लड़का है। और न्यू क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा बार का जोगी सिद्ध, इनके साथ ऐसी हो रही थी ताई। अब ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जैसे परमात्मा स्वयं आए हुए थे कबीर जी, उसमें वो स्वयं कहते भी थे कि मैं हूँ भाई पूर्ण परमात्मा, लेकिन किसी की दचना थी। और अब गरीबदास जी को अपने प्रमाण दिए, उन्होंने प्रमाण किया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, कांसी माए कबीर होया। तो ऐसे इनको भ्रम था, इस दास पर विश्वास नहीं किया। इनकी पत्नी को प्रेतवादा थी और उन्होंने सारे जंतर मंतर करते रहे। मैं पढ़कर सुनाता हूँ, बाकी शेष इन्होंने लिख कर दिया है। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम निवासी गांव दनाणा जिला सोनीपत फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूँ। सतगुरु जी के नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि बीमार ना रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बाधा बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। इतना ज़्यादा कष्ट रहने पर के बावजूद हम देवी देवताओं को बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज़्यादा आस्था थी, लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे। किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा के निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतने दे रखे हैं कि वहाँ के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफ़ी समझाया कि पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को बहुत प्रेत सता रहे थे, सतगुरु जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को, अभी पिछले महीने की बात है, 7 सितंबर, मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था, मिस्त्री के मकान के ऊपर 1100 वोल्ट की वोल्टेज की तार थे, लड़के का तारों के बीच में 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नज़दीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया, लड़के के सिर पर तार गट गया। इसका निशान दिखाऊंगे आपको, ये भगवान है। तथा मुंह जल गया, बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़ कर निकल गई। उसमें मेरे लड़के को सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ही चमकदार शरीर यानी तेजोमय शरीर सहित दिखाई दिए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर छज्जे पर लटा दिया। फिर लड़के की और सतगुरु जी की बात हुई तथा जब सतगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा, गुरु जी कहाँ जा रहे हो, क्योंकि बेहोश था उस टाइम लड़का और आत्मा से बातें हो रही थी। सतगुरु जी ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। उसके बाद हम लड़के को हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर भी लड़के को गुरुजी दिखाई दिए और मेरे लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, तुम घबराओ मत। यदि आज हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का
जिंदा नहीं होता और हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं इस बच्चे का जो सती थी, आप देख, अभी तो एक महीने में, लगभग एक महीना हो गया, ऊपर हो गया, बल्कि बहुत फर्क हो गया। इसकी पहले की जो तस्वीर ले रखी है इन्होंने, वो भी दिखाते हैं, देखना। दिखा भाई इनको, बुला इधर। मैं किसी मिस्त्री के पास गया हुआ था, फर्नीचर वाले मिस्त्री के पास गया हुआ था, तो उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज के तार गए हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली तार मोई तार ऊपर, मैं से देखने लगा तो ओ बिजली ने मैं खींच लिया डेड ऊपर से। ये सिर देखा नीचे न करके देख, ये ये निशान पड़ रहा है लड़के का, ये नीचा कर गर्दन थोड़ी सी, ये देख उतर जाओगे। ओए होए होए, ये बंदी छोड़। ये तो एक महीने के बाद ये सती थी, दो उंगल पूरी आ जाए, इतना खड्डा था इस बच्चे का, पैर का अंगूठा देखो इसका है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया ना, कति कंडम होया पड़ा था उस दिन। अब पुण्यात्मा समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना ले वे कोई। परमात्मा कहते जब हमारे भक्तों पर आपत्ति आ गई तो हमारा नाम कौन लेगा। अब ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है, ये भक्त सुरेश है, मेरे सगे चाचा का लड़का है। और वह बात है, घर का जोगी जोगड़ा बार का जोगी सदे। ये तो परमात्मा कहते हैं, मैं रो तू सृष्टि को सृष्टि रो है मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब क्या सती थी इनकी, इसकी माता भी आई हुई है लड़के की यहाँ पर। उस दिन आई, इसमें 40 किलो वजन था, और आज पहलवान कैसी हो रही है, नाम लिए बाद 6 साल पर नाम लिया हुआ है। सारी बाधाएँ दूर होगी, सब चिंताएँ मिट गई। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ की ओट है। दुख दोंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। ये समर्थ की उपासना ना करने से हम दुख पा रहे हैं। समर्थ की आडमा होने के बाद कहते हैं, ये उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं के ये दुख दूर होते हैं। ये लड़का मृत्यु को प्राप्त होना था अगर ये शरण में नहीं होते। कहते हैं, पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। कहते जो जैसे आज दास सत्संग करा था, इतना लंबा चौड़ा विस्तार है, इतना ज्ञान हटाना पड़ता है। ये प्रसंग रह गया कि पति भरता, यानी जो एक परमेश्वर पर आधारित हो जाती है पुण्यात्माएं, फिर वो समर्थ परमात्मा उनके जीवन रूपी सफर में जितने भी बाधाएं आनी होती हैं, पापों के जो कारण दुख होना होता है, उन पाप रूपी कांटों को उस जीवन रूपी सफर में बुहारते चलते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा के कोई दुख ना हो जा। ये वही प्रमाण समझ लो। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। सर्व सुखदाई, सर्व पाप नाशक, पूर्ण मोक्षदायक, कुल के सृजनहार, हम सभी आत्माओं के जनक, ये वो परमात्मा हैं जो बनारस में, काशी शहर में, भारत की पावन धरती पर सन 1398 में सतलोक से चलकर अपने मुक्ति धाम से, सनातन परम धाम से गति करके आए थे, और काशी शहर के बाहर एक लहर तारा नामक सरोवर में विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो अमर पुरुष, वो सत्य पुरुष विराजमान हुए थे।
वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देते हैं, यथार्थ भक्ति मार्ग का ज्ञान कराते हैं। परमात्मा का उद्देश्य ये होता है कि वे ये सभी भोली आत्माएं काल के जाल में फंसी हुई हैं, यहाँ कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग इनके लगा हुआ है। परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, उसके माध्यम से हमें जानकारी देना चाहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा यह उद्देश्य क्या है जीने का। पुणात्माओं, यदि हम जरा सा भी विवेचन करें कभी शांति से बैठ के और सोचें कि हम जो संपत्ति एकत्रित करने में इतने व्यस्त हैं, रात दिन चैन नहीं पड़ रही है, और जिस परिवार को हम अपना मानते हैं और इसके पोषण के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं, अच्छी बात है कि हम अपने परिवार का पोषण करें, अच्छी व्यवस्था बनावें, बढ़िया मकान बना लें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी पढ़ाई करवाएं, लेकिन ये सारा कुछ करते करते जिस पुत्र या पुत्री को हम कुछ बनाना चाहते थे और उसी के लिए हम सारा जीवन एक पशु की तरह दिन रात धंधा मेहनत करते थे, और वो बच्चा ही एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसके जीवन का सार क्या रहा? पुण्यात्मा, परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, कबीर ज्ञान है, कबीर वाणी में जो लिखा हुआ ज्ञान है, ये इतना सत्य है कि आत्मा को झंझोड़ कर रख देता है। लेकिन कालबली ने त्रिगुणमयी माया का ये एक इतना नशा करवा रखा है कि जीव के बस की बात नहीं। ये जरा सा सतर्क होता है तुरंत ही ये प्रभाव अत्यधिक पड़ जाता है और फिर भूल पड़ जाती है, फिर उसी व्यवस्था में लग जाता है। हम जो सारा जीवन लगा देते हैं संपत्ति और परिवार के लिए, अपना ही नहीं मालूम हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, फिर उस परिवार का पोषण कौन करेगा? क्या ऐसी घटनाएं घट नहीं रही? कहने का भावदास का ये नहीं है कि आप अपने बच्चों से, परिवार से विरक्त होकर के केवल एक भक्ति पर ही बैठ जाओ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही ये प्रोसीजर ठीक है इस सरसों के तेल का। और फिर उस बिजली के पावर के कनेक्शन मिलने से, पावर की प्राप्ति होने से, फिर वो सभी कार्य पावर से हो रहे हैं, बिजली से हो रहे हैं। आटा भी बिजली पीस रही है, पावर पीस रही है, और चारा भी वो पावर काट रही है, जगमग कर देती है वो पावर, घर के सारे बल्ब जगा दे तो उज्ज्वल कर देती है सारे घर को। तो अब हम जो अपने आप प्रयत्न से जो जितना हम कर रहे थे उससे कई गुना वो काम कर देती है। जैसे हाथ से चारा काटा करते थे और फिर बटन दबा दे पावर का, कट 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 करके, जो हम दो घंटे में काम करा करते वो 10 मिनट में करते। तो पुण्यात्माओं, जिन परिवार के पोषण को, ये अनिवार्य है परिवार का पोषण भी,
क्योंकि हमारे संस्कार हैं और इन जितने संस्कार हैं ये हमने अब सुलझाने पड़ेंगे। तो अपने परिवार को परमात्मा के चरणों में लगा दे, पूरी कोशिश करें उसको ये नाम दिलाने की। यदि किसी पुत्र पुत्री का यह बात समझ में आई है तो उनका परम कर्तव्य बनता है अपने माता पिता को भी ये ज्ञान समझाएं और परमात्मा की शरण दिलावें। धीरे धीरे ट्राई करें, कभी ना कभी परमात्मा अवश्य सुनता है। और यदि माता पिता के यह बात समझ में आई है, ज्ञान समझ में आया है, तो उसका परम कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को भी प्रोटेक्शन दिलवावें, यानी परमात्मा की शरण उनको भी लगावें, कोशिश करें। तो ऐसे फिर हम जो कार्य स्वयं करते थे उसमें धन कमाने की चेष्टा करते थे, हम ये भूले हुए थे कि हमें केवल वही मिलना है जो हमारे मस्तिष्क में लिखा है। बिल्कुल भूल चुके थे हम कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो धनी बनना चाहते हैं, दो नंबर का काम करके, रिश्वत लेकर, मिलावट करके, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, सपने में भी नहीं बन सकते। यदि आपके भाग्य में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, यदि आप दो नंबर का काम करके, यदि आप जी मिलावट करके, रिश्वत लेके, चोरी करके, डाके मार के, या कोई और दूसरे तरीके से आप धन इकट्ठा करने का प्रयत्न भी करते हो, तो वो धन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपके किस्मत में, भाग्य में नहीं है। अब वो धन चला जाएगा, किसी कारण से भी, कोई बच्चा बीमार हो जाओगा, या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी, या कोई व्यवसाय में ऐसा घाटा होगा कि वो पैसे भी लग जाएंगे और भी कर्जा बन जाओगा। तो पुण्यात्माओं, जिसमें हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हम जो धनी बनना चाहते हैं दूसरे तरीके से और हमारे भाग्य में नहीं है, तो वो नहीं रहेगा। और यदि आपकी किस्मत में है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आप नेक नीति से जो भी आपका व्यवसाय है वो करते रहिए, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपुनात्मा, जिसमें आप परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में आ जाओगे इस दास के माध्यम से, फिर आपके भाग्य में जो वस्तु ना होगी और आपके लिए आवश्यक होगी, वो कबीर देव, कबीर समर्थ परमात्मा है, वो आपके प्रारब्ध को पुनः लिख सकता है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहियां, सतगुरु जो चाहे सो कर ही। गरीबदास साहेब, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, परमेश्वर कबीर जी की महिमा से, उस परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति से परिचित होने के उपरांत अपनी अमृतवाणी में उस कबीर परमेश्वर का एफिडेविट दे रहे हैं कि वो इतने समर्थ हैं, सतगुरु जो चाहे सो कर ही। और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब कबीर परमेश्वर जी यहाँ जब प्रकट हुए थे, वो सतगुरु रूप में होते हैं और वो समर्थ परमात्मा भी हैं, क्योंकि वो यहाँ ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं, इसलिए तत्वदर्शी संत और कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के उपरांत हमारे जो भाग्य के लेख हैं, उन पेपर को भी परमात्मा पाड़ देता है और नए सिरे से आपके अंक लिख देता है।
जम जो राजा से डर मिट कर्म के लेख अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। जम जो राजा से डर मिट कर्म के अंक कागज कीरे दरगद ये चौदह कोट ना चंपे। अब जैसे आप जी अपने तरीके से धनी बनना चाहते थे, नहीं बन पा रहे थे। कौन नहीं चाहता कि मेरे पास कार हो, कौन नहीं चाहता मेरे पास बड़ी कोठी हो, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास घनाए धन हो, पर कितनों के पास है ये व्यवस्था? और सभी पूरा प्रयत्न करते हैं दिन रात। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत मजदूरी करता है और उसको सारा दिन में 100-150-200 रुपये प्राप्त होते हैं, और एक व्यक्ति शारीरिक काम भी नहीं करता है और वो एक दिन में लगभग कई कई तो 1-1 लाख रुपये कमाते हैं डेली। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके प्रारब्ध में जो लिखा है उनको मिल रहा है। आपके प्रारब्ध में ऐसा ही है तो आपको उतना ही धन प्राप्त होगा। अब दास का जो उद्देश्य आपको समझाने का, ये परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाने का, यहाँ पर दो पहलू बन जाते हैं। एक तो ये है कि आप जी स्वयं प्रयत्न कर रहे हो, वो कार्य बहुत धीमी गति से आपका हो रहा है, और यदि आप कनेक्शन ले लेते हो तो वही कार्य उस पावर से बिजली से कटाकट होगा, फटाफट होगा। ऐसे ही आप जी जब नाम उपदेश ले लोगे तो आप जो नहीं कर सकते थे जिस काम को, उसको भगवान की शक्ति करेगी, परमात्मा करेंगे, और आपको बहुत सहयोग मिलेगा। परमात्मा की शरण ना लेकर के हम केवल अपने प्रारब्ध को ही घसीट रहे होते हैं। अब हम भक्ति करें और परमात्मा से डरें, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे और परमात्मा चाहेंगे आपके बच्चों को भी प्रोटेक्शन देंगे। जैसे कल आपको उदाहरण दिया था, एक मोहित नाम का बच्चा 12 वर्ष की उम्र का, अभी 1 वर्ष उनको उपदेश लिए हुआ है, लेकिन वो पहले सब पूजाएं करके थक चुके थे, दुर्गति ज्यों की त्यों थी। उनको जब यहाँ उपदेश मिला तो मिलते ही उनको परमात्मा ने बिना गिनती के सुख देती शुरू कर दिए, क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है वो परमात्मा को हृदय से पुकारता है। और वो ये भी सोच चुके थे कि और पूजाएं हम नहीं करेंगे, चाहे मरें चाहे जीवें। तो तब परमात्मा, जब हम पति भर्ता पद पर आ जाते हैं तब हमारी सुनना शुरू करता है। हम प्रथम तो आते हैं क्योंकि वो ज्ञान नया, फिर भगवान नया, फिर हम वो पिछले रंग में घने रंगे हुए होते हैं, पूजाएं सब क्रियाएं वह छूटती नहीं, तो हम कुछ दिन तो डबल माइंडेड रहते हैं, जिसी कारण से आप जी को यहाँ से लाभ देर से प्रारंभ होते हैं मिलने। और कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। ये सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। परमात्मा की शब्द कोश में, कबीर परमेश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, ये वो समर्थ शक्ति है। लेकिन हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा सुश्रभा में कमी है, आपके हृदय में दृढ़ता नहीं आई है, आप पति भर्ता पद पर नहीं पहुंचे हो,
पतिभर्ता पद क्या होता है कि एक इष्ट की अतिरिक्त किसी से भी सपने में भी इच्छा कोई सुख की नहीं करे, कोई डिमांड ना हो, केवल कबीर परमात्मा की ही आस रखे। जैसे हम आपको मंत्र तो सभी देवों का देते हैं, लेकिन उनसे नहीं मांगे कुछ भी, उनकी तो मजदूरी है, उनका जमा कराओ पार होंगे, और कुछ मांगना है अपने मालिक कबीर परमात्मा से मांगेंगे, वो सबका दाता है, कुल का धनी है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला वही परमेश्वर कबीर साहब है। तो उस बच्चे को 11,000 वोल्टेज के तार से उसका सिर टच हो गया, और दो उंगल ऐसे खड़ी आ जाओ, इतना जख्म सिर के अंदर, सारे शरीर से बिजली पार करके और पैर के अंदर से गुजर गई, पैर का अंगूठा भी जल गया। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, और एरना कुछ उदर उदारिया मन रावण मारा खेत। कबीर परमात्मा कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी और थक लिए थे, रावण नहीं मरे था, गर्दन काटे थे फिर फूटा हुए थी। कहते हैं जब ये जब कोई भी, हाँ ये तो जीव संज्ञा में है, श्री राम श्री कृष्ण विष्णु ये भी जीव हैं आप जैसे, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको यहाँ एक कंट्रोलर बना दिया, यहाँ का अच्छा पद दे दिया। जैसे कोई अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता, वो IAS कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली DC पोस्ट पर लगे लगेगा, लेकिन है वो आदमी है, सिंपल मैन है। तो इसी प्रकार जब भी निक्षेप इनके ऊपर भी आपदाएँ आती हैं तो ये भी परमात्मा को याद करते हैं, और हम सभी आत्मा कबीर देव की हैं, सतपुरुष की हैं, ब्रह्मा भी विष्णु जी भी शिव जी भी सारे, तो उस परमात्मा यानी पिता को अपने सभी बच्चों का एक जैसा कष्ट महसूस होता है। तो यहाँ बताते हैं पहुँचूँगा क्षण एक में, एक अक्षण में पहुँच जाता हूँ, जैसे वेद बताते हैं परमात्मा बहुत गतिशील पदार्थ की तरह है। हमारे आध्यात्मिक यज्ञों में उपस्थित होते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसे वो एकदम परमात्मा इस दास के रूप में सेकंड के अंदर वहाँ पहुँचे हैं और उस बच्चे को बिजली से यानी काल से छुड़वा लिया। तो पुण्यात्मा ऐसे ही आप जी को भी लाभ मिलेंगे, लेकिन हम बार बार कहते हैं और पुस्तक के अंदर सबसे पहले हमने यही जो है ना विचार दिए हैं कि इन सभी नियमों को अच्छी तरह ग्रहण करो, इनका पालन करो। मर्यादा तोड़ देने वाले प्राणी से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ये जो नियम आपको बताए गए हैं ये इतने कंपलसरी हैं, जैसे सीता जी को कह दिया गया था कि तू इस रेखा से बाहर ना आना, जो रेखा खींच दी गई थी कुटिया के चारों तरफ जब वो वनवास में थे, और वो दोनों भाई मृग के पीछे चले गए थे। पीछे से रावण आया था एक साधु भेष बना के, और कहा था माई भिक्षा गाल, भिक्षा डालो। सीता ने कहा यहाँ आके ले जाओ महात्मा, भिक्षा ले लो। और जो ही वो अंदर की तरफ चला तो उस रेखा से एक इतनी भयंकर लपट निकली, रावण 10 कदम पीछे गया भाग के, नहीं तो जल जाता सारा। अब साधु वे रूपधारी रावण ने कहा कि माई भिक्षा देना है तो बाहर आकर दे दे, तूने तो मुझे मरवा दिया था। अब सीता ने अपनी सोच से सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, महात्मा है, 2 सेकंड लगाऊंगी, अभी जाती हूँ और आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। उसने उस रेखा का उल्लंघन कर दिया और उसी समय रावण ने उसको चक लिया और चक के उठा के फिर 9 लक्षा बाग में पटक दिया, वहां को बंदी बनाया। अपने आत्माओं हम ऐसे सीता जैसे विचारों के हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, हम परमात्मा की उस रेखा का ध्यान नहीं रखते, नियमों का पालन ना करने से हम फिर से काल अटैक कर जाता है।
जब लग हंसा हमारी आना, काल लग न तेरा बाण। जब तक हंस हमारी आन में रहेगा, आन मीन मर्यादा, तो परमात्मा ने कहा था कि हे काल, उस हंस आत्मा पर तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरा बाण नहीं लग सकता। तो ऐसे ये दो, अब सीता ने तो जरा सी सोची थी के फर्क पड़े है, अब पड़ गया फर्क, अपनी ब्रान माटी करवाई और लाखों करोड़ों व्यक्ति मरवाए और लक्ष्मण और राम रुआए। तो पुण्यात्माओं, ये जो मर्यादा आपको दी गई है ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, बाकी आप बालक हो बचपना करोगे तो भाई मार भी खाते रहोगे, इसका क्या इलाज है, नियम भंग ना हो आपके। फिर दूसरा जो तरीका है, जैसे एक तो ये हो गया कि आपका परिवार पोषण भी ठीक होगा, जिसके लिए आप सारा जीवन डिवोट कर रहे थे, अब आपको जो गणाए लालचीलो भी होगा उसको तो 50% समय की जरूरत पड़ेगी, जो पहले 100% लाया करता था, परमात्मा आपके इसे कांटे से काटेगा, इतना सुख देगा आपको, और फिर आपको 50% समय भक्ति का मिलेगा, और रह रहकर इस ज्ञान से फिर आप परिचित होते रहोगे, आत्मा अपने आप भगवान में रंगती चली जाएगी और संसारिक सुख की चाह घट जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, एक तो आप जो अपने स्तर से साधना करते थे, जैसे कोई भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, कोई श्री राम की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, उनसे जो लाभ होता है, जैसे कोई ब्रह्म की पूजा करता है, ब्रह्म से आगे तो कोई जाने नहीं था, और ब्रह्म तो बहुत निम्न स्तर की शक्ति है, उस परम अक्षर ब्रह्म के सामने, तो हम जो पूजाएं किया करते थे उन पूजाओं से हम निर्धन हो गए थे। किस प्रकार हो गए थे, हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते थे, और फिर साथ में हम उन देवों की पूजा करते थे जो हमें कोई विशेष लाभ नहीं दे सकते, जिनकी पूजा करने से हमारा गुजारा भी मुश्किल से होता था। कैसे, जैसे हमने इन भगवानों के चलाए हुए इन छोटे मोटे जो साधनाएं हैं उनके आधार से जैसे कहीं भंडारे कर दिए, कहीं पक्षियों को दाने डाल दिए, और कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर प्याऊ बनवा दी, ये साधनाएं जो थी, ये जो धार्मिक अनुष्ठान जो किया करते थे, ये तो ऐसे थे, कैसे, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। अब क्या बताते हैं कि जैसे ऊंची थली होती हैं, ऊंचे ऊंचे टिब्बे, आप जी पूर्ण परमात्मा की महिमा से अपरिचित हो करके, तत्व ज्ञान के अभाव से परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके आप आन उपासना रूपी खेती कर रहे हो, और वो भी कहाँ कर रहे हो, ऊंचे टीलों पर, टिब्बों पर, थलियों पर,
जहाँ पर कभी वर्षा होगी तो बीज डाल दिया, दोबारा वर्षा ना हुई तो बिल्कुल नहीं पकेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोबारा वर्षा हो भी गई कभी प्रभु की कृपा से तो एक एकड़ में मुश्किल से दो मन कणक निकलेगी। और वही जमीन जो समतल डहर जमीन बोली जाती है, पृथ्वी डहर, डहर वो सथल होता है जो बहुत समतल होता है, नीचा होता है और उपजाऊ होता है। तो उस डहर के अंदर गेहूं बीज देने से वो लगभग 60-70 मन गेहूं देता है, फसल देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि तुम ऊंची थलियां खेती बोए भूल गए निज डेरे नू। अब तुम जो साधना कर रहे हो ये तो ऊंची थलियों पर खेती बीज के तुम धनी बनना चाहते हो, कभी नहीं हो सकते। अपने डहर को भूल गए हो, अपने वेदों में, गीता जी में, सभी में प्रमाण है और परमात्मा की अमर वाणी में यही लिखा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से आपको सर्व सुख होंगे, आप जी की प्रारब्ध में जो दुख होंगे उनका भी वो निवारण करेंगे और उनकी भक्ति से आपको बहुत लाभ होगा, अत्यधिक लाभ होगा। तो उसको भूल रहे थे हम। परमात्मा उसी अपनी डहर को यानी अपनी महिमा को हमें बताने के लिए आए कि बच्चों तुम ये साधना करो, ये फसल बो, इस स्थान पर बो, फिर देखना आप कितने शीघ्र धनी होते हो। अपुणात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना, अब जैसे आप जी को एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक मजदूर सारा दिन में 200 रुपये लेता है और कठिन प्रयत्न करता है, एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग, ऐसे भी हैं जो 1,00,000 रुपए प्रतिदिन कमाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो अपने आप सेठ होंगे, धनी होंगे, जिनकी प्रतिदिन की 1,00,000 की कमाई होगी। ठीक इसी प्रकार जैसे ओम नाम जो है ये शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ है और ओम नाम का इस काल ने मिसगाइड कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजंदेहम, जो अंतिम सांस तक शरीर छोड़कर जाते समय तक ये सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होती है। तो यहां क्या बता दिया इसने कि ओम नाम का जाप उच्चारण करके करो। आप जी ने भी देखा होगा ये ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ये गीत गावड़िए ये कैसे जाप किया करते थे, ओम 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 ओम, तो ये ऐसे उच्चारण करके करते थे, कोई मन मन में करते थे। अपुणात्मा जैसे हम मौखिक जाप करते हैं, 1,000 बार आप मौखिक जाप करेंगे और 1 बार मानसिक जाप करोगे, वो 1 बार मानसिक जाप किया हुआ 1,000 मौखिक जाप से ज़्यादा कीमत रखता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और यदि आप श्वास के साथ सुमन 1 बार करोगे तो 1,000 मानसिक जाप का लाभ आपको मिलेगा। 1,000 × 1,000 लगभग 10,00,000 हो गए,
10 लाख हो गए, तो श्वास उस श्वास से जो विधि कबीर परमेश्वर ने आकर बताई है ये साधना, और वो निज मंत्र बताए हैं, इनका जो विधिवत का अर्थ है मर्यादा में रहते हुए परम संत से उपदेश ले जो अधिकारी हो, उसके बाद फिर ये प्रयत्न करे सुमन करे, उससे क्या लाभ होगा, आप कितने धनी हो जाओगे। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर कबीर देव जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताया है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक तुला के तुला बैलेंस, ये समान तोलन की ताखड़ी, इसके एक पलड़े में सतनाम का एक श्वास का सिमरण की को रख दे, एक वैल्यू उसकी इतनी है, और दूसरी तरफ कहते हैं एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और 3 लोक उन तन्यारे हैं, इन 14 लोक को एक तरफ रख दे और पृथ्वी लोक और पाताल लोक और ये स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों को पासंग रख दे, पासंग। अब पासंग के, क्योंकि आजकल आप तो जो बच्चे हैं इनको पता नहीं, परमात्मा की वाणी, गरीबदास साहिब जी एक किसान थे, अनएजुकेटेड थे, और अक्षेत्र के अंदर जहाँ वो रह रहे थे उन्होंने उन्हीं लोगों को समझाना था, इसलिए उन्होंने, वैसे तो वो सर्वज्ञ थे, सारी भाषाओं से परिचित थे, इनमें सब भाषाओं का समावेश किया अपनी वाणी में, तो उसमें सिंपल भाषा प्रयोग की है, तो जैसे, तो इसलिए उनको आप जी अब नहीं समझ सकते थे, इस दास के ऊपर मेहर करी के हमारा जन्म भी उसी समय से हुआ है कि हमें वो सारे देसी शब्द याद हैं अपने सौ